दोस्तों, एक अच्छी पर्सनैलिटी में अच्छी हाइट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अच्छी हाइट होने से आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाते हैं, और वहीं कम हाइट के कारण आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और कई बार आप सोसाइटी में मजाक का कारण भी बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी अपनी हाइट में ग्रोथ चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, इसीलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अक्सर लोगों के बीच में ये मिथ बहुत ज्यादा होता है कि 18 साल उम्र के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, और अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप किसी भी ग्रुप में हो, अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को सीरियसली फॉलो किया तो आप भी अपनी हाइट में शानदार सुधार ला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं उन तरीकों की जो आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ और जान लीजिए। दोस्तों, हाइट के बारे में बात करते समय हमारे दिमाग में इस सवाल का आना लाजमी है कि आखिर हमारी बॉडी में हाइट को डिसाइड कौन करता है, यानी कि हमारे बॉडी के वो कौन से पार्ट हैं जो हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हमारी बॉडी में हाइट के लिए मुख्य रूप से तीन फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। नंबर वन, जेनेटिक्स। दोस्तों, आपकी हाइट कितनी होगी ये अधिकतम आपके पेरेंट्स के जीन्स पर डिपेंड करता है, लेकिन आपके बर्थ के बाद भी कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपकी हाइट बढ़ाने में मैसिव रोल प्ले करते हैं। नंबर टू, डाइट। अगर आप अपनी पसंद का कुछ भी खा लेते हैं तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि आप जो भी खाते हैं उसका सीधा असर आपकी हाइट पर पड़ता है। आपकी डाइट आपकी हाइट को इफेक्ट करती है, इसीलिए कई बार आपके जीन्स अच्छे होने के बावजूद भी आपकी हाइट के कारण आपकी हाइट उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी बढ़नी चाहिए। नंबर थ्री, ग्रोथ प्लेट्स। दोस्तों, हमारी बॉडी में ग्रोथ प्लेट ही वो सबसे अहम हिस्सा होती है जो कि हमारी हाइट को बढ़ाते हैं, और हमारी उम्र बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे ये हमारी बॉडी से कम भी होती जाती है। ऐसा माना जाता है कि 20 साल की उम्र तक आपकी बॉडी से सारी ग्रोथ प्लेट यूज हो जाती है, यानी कि 20 साल ही वो उम्र है जब तक आपकी हाइट बढ़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपके जीन्स अच्छे हों तो साल 20 की उम्र के बाद भी आपकी हाइट बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये तो वो फैक्टर थे जो आपकी बॉडी में आपकी हाइट को डिसाइड करते हैं। अब हम आपको बताएंगे वो 6 इफेक्टिव तरीके जिन्हें फॉलो करके आप अपने हाइट में शानदार चैलेंज ला सकते हैं। नंबर वन, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का हमारी हाइट पर काफी प्रभाव पड़ता है, और अगर आप भी अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही अपने रूटीन में एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को शामिल कर लें जिससे आपकी बॉडी के हर पार्ट्स की एक्सरसाइज आसानी से हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते तो घबराइए मत। आपके सबसे आसान फिजिकल एक्टिविटी है रनिंग। रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि हमारी बॉडी के हर पार्ट्स की एक्सरसाइज आसानी से हो जाती है, इसीलिए आप किसी भी एज ग्रुप में हो आज से ही रनिंग करना स्टार्ट करें। और अगर आप 18 से कम एज के हैं तो 30 दिन के अंदर ही आप अपने हाइट में चेंज फील करने लगेंगे। इसके अलावा आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी में किसी आउटडोर गेम को भी शामिल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करके जिसमें शरीर के सारे पार्ट्स की एक्सरसाइज होती हो, जैसे कि स्विमिंग, रस्सी कूदना और लटकना। नंबर टू, एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारे वेदों में ये बात बताई गई है, और इसके अलावा मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि हमारी बॉडी में ऐसे कई हिस्से हैं जिन्हें प्रेस करने पर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं। हमारी बॉडी के इन हिस्सों को एक्यूप्रेशर पॉइंट कहा जाता है, और आपको बता दें कि आपकी हाइट बढ़ाने में इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी बॉडी में हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, और इस ग्रंथि को एक्टिवेट करने का पॉइंट हमारे हाथ के अंगूठे में होता है। दोस्तों, साइंस और कई सारे एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि हमारे अंगूठे के इस पॉइंट को पैर के अंगूठे से प्रेस करने पर पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइट ग्रोथ हार्मोन्स काफी ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, जो आपकी हाइट बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए आज से ही फ्री टाइम में अपने हाथ के अंगूठे को पैर के अंगूठे से एक्यूप्रेशर प्रेस करना शुरू कर दें। नंबर थ्री, डाइट। आपकी डाइट में आपका खाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी सीरियसली अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने खाने में मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और प्रोटीन को एक प्रॉपर रेशियो में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुरुषों में हाइट बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए आज से ही आप रोज रात में एक गिलास दूध और अश्वगंधा लेना शुरू करें। इसके अलावा महिलाओं के लिए दूध और शतावरी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा किफायती आयुर्वेदिक सप्लीमेंट माना जाता है। दोस्तों, आज से किसी भी अनहेल्दी फूड और जंक फूड को खाना बंद कर दीजिए। अपनी डाइट में हेल्दी फूड जैसे कि हरी सब्जियां, केले और दूध को शामिल करें, जो आपकी हाइट बढ़ा
बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा एक खास बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा सोने से 2 घंटे पहले ही अपना डिनर कर लें, क्योंकि हमारी बॉडी खाने के बाद इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है और हमारी बॉडी से एक टाइम पर केवल एक ही हार्मोन रिलीज हो सकता है। इसीलिए जब इंसुलिन रिलीज होता है तो हाइट ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होते। नंबर 4, पर्याप्त नींद लेना। दोस्तों, जब आप नींद में होते हैं तो आपकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, यानी कि आपकी नींद आपकी हाइट बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। यानी कि पर्याप्त नींद लेना अच्छी हाइट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज से ही आप 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू कर दें। इसके अलावा अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और अपने काम पर कम फोकस वगैरह वगैरह। हाइट ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी में मैक्सिमम सोने के समय में ही रिलीज होते हैं, इसलिए आपका पर्याप्त नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 5, सनलाइट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश आपकी हाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही विटामिन डी का एकमात्र सोर्स है और यही विटामिन डी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिम्युलेट करता है। दोस्तों, हाइट बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में कैल्शियम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और बिना विटामिन डी के हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसके अलावा विटामिन डी हमारे हाथों और पैरों में मौजूद हड्डियों के जोड़ों को मल्टीप्लाई करने में भी काफी मदद करती है, जिससे हमारी हाइट इंक्रीज होती है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही दिन में कम से कम 15 मिनट की धूप लेना शुरू कर दें, जिससे आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल सके। एंड नंबर 6, डोंट टेक स्ट्रेस। दोस्तों, काफी रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि जब आप काफी ज्यादा तनाव में होते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जिसके कारण बॉडी में हाइट ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं और आपकी हाइट पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसीलिए आज से ही अपने लाइफस्टाइल में ऐसे रूटीन को शामिल कीजिए जिससे कि आप स्ट्रेस कम से कम लें या फिर ले ही ना। और यकीन मानिए, अगर आपने इन सारी बातों को फॉलो कर लिया तो आप भी अपनी हाइट को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 6 तरीके जिनसे कि आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से वीडियो को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी डेली लाइफ में एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना है जिससे कि आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स की एक्सरसाइज हो सके। दूसरा, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए अंगूठे के एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करना शुरू करें। तीसरा, अपनी डाइट में हेल्दी फूड को शामिल करें और जंक फूड को अवॉइड करें। और चौथा, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें ताकि आपकी बॉडी में हाइट ग्रोथ हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो। और नंबर 5 पर था विटामिन डी की पर्याप्त आपूर्ति के लिए कम से कम 15 मिनट दिन में धूप जरूर लें। और छठवां, अपनी लाइफ से स्ट्रेस को बाय बाय करें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।